ये देखिए, हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे तार की गणना, ठीक ना, कि तार की गणना कैसे करते हैं। ठीक है भैया, तो तार गणना करना हम लोग सीखेंगे आज कि तार गणना कैसे करें हम लोग। तो देखिए ध्यान से, बस आप लोग ध्यान समझते रहेंगे तो सब काम हम आसानी आसान कर देंगे एकदम। आप बस ये ध्यान समझते रहिए कि पहले इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद बताते हैं थोड़ा बड़ा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये, ठीक ना, एन एस होना चाहिए, सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर ना, नंबर ऑफ कंडक्टर, सॉरी ये नंबर ऑफ कंडक्टर है, ये नंबर ऑफ कंडक्टर है, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, सीरियल नंबर, यस एन नंबर ना, सीरियल नंबर। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, से बढ़ा लीजिएगा अपना, ठीक ना। नहीं बना नहीं बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ा लीजिएगा, हमारे हिसाब से बढ़ा लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर, एन सी मतलब क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर है, एन सी क्या यहाँ पर है, नंबर ऑफ कंडक्टर है। अब एन सी क्वाइल, नो वोल्ट क्वाइल मत पढ़िएगा इसको, ये नंबर ऑफ कंडक्टर है, ये ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो पहले मिनिमम किसी बल्ब या किसी फैन को चलाने के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर मिनिमम कितने होने चाहिए, कम से कम एक, केवल एक ही तार से तो आप चला किसी फैन को चला नहीं सकते हैं या किसी बल्ब को जला नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कम से कम एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता है, तो एक फेस और एक न्यूट्रल यानी दो तार होने चाहिए। तो मिनिमम कितने तार होने चाहिए किसी बल्ब को जलाने के लिए, दो तार, ठीक ना। तो नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पर देखिए दिखाया गया है दो, तो दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ठीक ना, सात है तो सात, आठ है तो आठ, नौ है तो नौ, दस है तो दस, ग्यारह है तो ग्यारह, बारह है तो बारह, ठीक ना, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि दो तार है, दो तार के लिए बैटन की साइज क्या होनी चाहिए, ये देखिए बैटन की साइज है, बैटन की साइज देखिए, दो तार यदि होता है तो उसके लिए बैटन के साइज 13x13 की यूज करते हैं। यदि तीन तार और चार तार यदि होता है तो तीन और चार तार के लिए बैटन की साइज जो होती है 19x13 की होती है, और 19x13 की होती है। और पाँच और छः तार होता है तो उसके लिए 25x13 की होती है, और 25x13 की होती है। बात समझ में सबको, आगे बताएंगे और सारी चीज़ें। फिलहाल में इस सवाल के लिए जो समझना है उसको, उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए बैटन की लंबाई जो होती है मीटर में, मीटर में हम लोग लिखेंगे, हाँ, कितना कितना 13x13 की हम लोग को बैटन चाहिए, कितना 19x13 की बैटन चाहिए, ठीक ना। तो 19x13 की इसको भी है, ये भी जोड़ लेंगे। और देखिए सॉरी 25x13 की कितना चाहिए, और 25x13 कितना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक ना। अब फिर चालक की लंबाई निकालेंगे, तो चालक की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो दिख रहा है नंबर ऑफ कंडक्टर, ये दो है, दो का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए, इन इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम कर लेंगे। तो देखिए 5.5 आया है, तो 5.5 का, ये देखिए 5.5 आया है, तो 5.5 का दो का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये तीन का गुणा देखिए, इसको जोड़ दिए हैं तो कितना आ जाएगा, 4.5 हो गया। तो चार मतलब 4.5 में गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए चार गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 25 कर देंगे, 2.5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और देखिए पाँच जो है, पाँच तार का गुणा इतना में करेंगे तो इतना आ जाएगा, छः तार का गुणा हम लोग इतना में करेंगे तो आपका टोटल निकल करके यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आप देख लीजिए, ठीक भैया। और फिर टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि कितना हमको कंडक्टर चाहिए, टोटल को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर कितना मीटर चाहिए हमको पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इतना मीटर कंडक्टर चाहिए, ठीक है। कंडक्टर पता चल गया कि इतना हमको चाहिए, बैटन कितना चाहिए ये पता, इसको जोड़ देंगे हम टोटल को तो बैटन पता चल जाएगा, लेकिन बैटन को हम अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग साइज को अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक ना।
फिलहाल में हम लोग ये हम लोग मान चलते हैं कि सब एक ही साइज का है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए हमको निकाल दिए, कुल जोड़ दिए 18.5 मीटर कंडक्टर, मतलब हमारा क्या चाहिए वो बैटन चाहिए, ठीक है ना, कंड्यूट वायरिंग नहीं कर रहे हैं भाई, तो इसलिए सॉरी कंड्यूट का नाम नहीं लेना चाहिए था। तो इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से कि कहेंगे सर अब ये दो तार वाला कहाँ से आया है साइज, तीन तार वाला साइज कहाँ से आया है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए देखिए यहाँ पर दो तार है, तो दो तार वाला कितना यहाँ पर है 2 मीटर, तो यहाँ पर देखिए 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर हो गया। फिर दो तार वाला देखिए यहाँ पर है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, यहाँ देखिए दो तार वाला है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, आओ तो दो तार वाला कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है तो 0.5 मीटर, ये देखिए 0.5 मीटर, और दो तार कहीं दिख रहा है आप लोग को तो बता दीजिए, दो तार तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए टोटल को जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए ध्यान से तीन तार वाले को जोड़ गिन लेते हैं, तीन तार देखिए यहाँ पर है, देखिए तीन तार यहाँ पर है, इसकी साइज कितनी है 2.5 मीटर, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, और देखिए तीन तार वाला कहाँ है यहाँ पर है, इसकी दूरी कितनी है 2 मीटर है, ये देखिए 2 मीटर है, तो 2 मीटर दिखाई गई है। अब तो तीन तार कहीं नहीं दिख रहा है ना, कि तीन तार है तो उसको भी जोड़ लेंगे, तीन तार है तो उसको भी जोड़ लेंगे, तो हमारा देखिए इतना आ गया, और तीन का मल्टीप्लाई बाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक ना भाई। देखिए तीन तार है, इतना दूरी तक लेके जाना है तो कितना हो जाएगा, तो कितना मीटर लगेगा, तीन तीन चौक को 12 मतलब 13.5 मीटर लगेगा ना, लगेगा ये तो तय हो गया ना, क्लियर बात समझ। और इसके बाद देखिए ध्यान से आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर समझ लेते हैं, तो ये आपको देख लीजिए चार तार वालों को गिन लेते हैं, चार तार वाला देखिए यहाँ पर चल नहीं रहा है, देखिए चार तार वालों का, तो चार तार देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर 0.5 मीटर जोड़ देंगे तो 2.5 मीटर हो गया, ये देखिए 2.5 मीटर हो गया, ठीक ना। पाँच तार वाला जोड़ लेंगे, तो पाँच तार वाला तो इतना ही है, तो यहाँ पर ये हो गया, और छः तार वाला देखिए जोड़ लेंगे, छः तार वाला देखिए इतना इतना ही हमारा यहाँ पर है, ठीक ना। तो बात सबको क्लियर हो गई, बात सबको क्लियर हो गई। और देखिए यहाँ पर टोटल कंड्यूट जोड़ देंगे, अच्छा तार जोड़ देंगे, तार इतना निकल गया कि इतना मीटर तार लगेगा, और प्लस ये इतना मीटर कंड्यूट लगे सॉरी वो बैटन लगेगा, ठीक ना, क्लियर बस भाई। तो इस प्रकार से हम लोग गणना कर लिए कि कितना मीटर सब कुछ लगेगा। अब देखेंगे 13 × 13 का कितना कितना बैटन लगेगा, 13 × 13 का कितना बैटन लगेगा, इसको याद रखिएगा, ये देख लीजिए 11 मीटर, कितना मीटर लगेगा ये 11 मीटर, ये आपका देखेगा 5.5 मीटर, याद रखिएगा 5.5 मीटर ये यहाँ पर दिया गया है ना। और फिर 13 × 13 का कितना कंड्यूट लगेगा, अब देखिए 19 × 13 का कंड्यूट कितना है, 19 × 13 19 × 3 और 4 के लिए लगेगा ना, तो 4.5 मीटर और 2.5 मीटर, 4 × 2 = 6 = 7 मीटर, कितना मीटर लगेगा 7 मीटर लगेगा, 19 × 13 कितना मीटर लगेगा 7 मीटर, ठीक ना। अब देखिए आगे याद रखिएगा इसको, ठीक ना, वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए देखिए 25 × 13 कितना लगेगा, ये इस साइज़ को समझ लेते हैं, तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, ये 25 ये भी है 25 × 13, ये भी 25 × 13, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 10 और 7 × 5 = 7 × 14 = 15.2245, ठीक ना, ये भी 5.5 मीटर, 5.5 मीटर ये भी आपका 25 × 13 का कंड्यू मतलब बैटन लगेगा, बस ये साइज पता हो गया। ये सामान का जो गणना करेंगे ना उसमें लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये कंड्यूट की साइज को निकालना और बैटन की साइज को निकालना और चालक की साइज को निकालना आप लोगों को पता हो गया कि चालक कितना लगेगा और कंड्यूट मतलब बैटन कितना लगेगा, क्लियर बस भाई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि मतलब आगे यदि हम लोग को सवाल में सॉल्व करना होगा तो हम लोग इसको हम कैसे करेंगे, तो आगे भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक ना।
आगे भी सवाल को सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, कोई दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे, सेम टू सेम यही मेथड लगाएंगे, ऐसे ही गणना करेंगे। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।